बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। हबीबा किचन में नई रेसिपी के साथ खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मलाई कुल्फी और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इसमें हम क्रीम, मलाई या फिर खोया, इसमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बनाएंगे मलाई कुल्फी सिर्फ दूध से और इसका टेस्ट बिल्कुल खोए और मलाई से बनने वाली कुल्फी जैसा होगा। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मलाई कुल्फी बनाने के लिए दूध हम लेंगे 1 kg और फुल फैट मिल्क लेंगे हम, और दूध को हम तेज़ आँच पर बॉयल कर लेंगे और बॉयल करने के बाद आँच हम मीडियम कर देंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अभी हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और दूध में मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो मलाई है वो दूध के अंदर मिक्स होती रहे। और अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। हमारे पास 1 kg दूध है तो हम इसमें तकरीबन 200 ग्राम यानी 1 कप चीनी का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें चीनी डालेंगे 1 कप, और चीनी डालने के बाद चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर लेंगे। दूध को हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे और इतनी देर हम पकाएंगे कि दूध की मकदार जो है वो हाफ़ रह जाए, यानी हमारे पास 1 kg दूध है तो 1/2 kg रह जाए। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे और पकाने के दौरान चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि दूध जले नहीं और जो मलाई है वो दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमने मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है और इन 2 चीज़ों से हम बहुत मज़े की मलाई कुल्फ़ी रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है, जितना गाढ़ा होना चाहिए था हो चुका है। अभी हम फ्लेम बंद कर देंगे और दूध को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये स्टील के गिलास हैं, इनको हम मोल्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अभी हम इनमें दूध डालेंगे जो कि हमने मलाई कुल्फ़ी के लिए रेडी किया है। गिलास को हम फुल नहीं करेंगे, गिलास में दूध की मकदार सिर्फ इतनी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अभी हमने ग्लासेस में दूध डाल दिया है तो अभी हम बटर पेपर की मदद से ग्लासेस को ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इनमें बर्फ नहीं बने। बटर पेपर की जगह आप इनके ऊपर कोई प्लास्टिक का कवर भी लगा सकते हैं, किसी कॉपी का कवर भी लगा सकते हैं ताकि इनमें बर्फ़ नहीं बने। और इस तरीके से हम इन तमाम ग्लासेस के ऊपर बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर लगाने के बाद हम इनको 7 से 8 घंटों के लिए फ्रीज कर देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद ये हमारी मलाई कुल्फी जो है वो रेडी है। अभी हम बटर पेपर हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी मलाई कुल्फी अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, कप में थोड़ा सा पानी लेंगे और ग्लास को पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे ताकि हम कुल्फी को ग्लास में से आसानी से निकाल लें। तो अभी हम इसमें स्टिक लगाएंगे। इस तरीके से हम इसमें स्टिक लगा लेंगे और कुल्फी को आसानी से ग्लास में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े की दानेदार मलाई कुल्फी बनी है। बग़ैर खोए और मलाई के सिर्फ 2 चीज़ों से मलाई कुल्फी रेडी है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल खोए और मलाई वाली कुल्फी जैसा है। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।